नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल gs.educare में। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, आज कुछ गला ख़राब हो जाने के कारण से कल से कुछ रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। कुछ दिनों से किसी तरह दवा वा खा के काम चल रहा है। तो जैसा कि मेरा चैप्टर रेगुलर चल रहा था जीएस में क्या चल रहा था, इन्वायरमेंट। तो एनवायरनमेंट में आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर किए हैं, तो चलिए उसको हम देखते हैं क्या है ये। तो जीएस का जो आज का क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का हमारा, कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये बार बार पूछा जाता है। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है ना। ये नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 30 नवंबर को, ठीक है ना, 30 नवंबर 2015 को। चलिए हम पहले जानेंगे कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ISA। क्या बोलते हैं मित्रों? ISA। आई से हो गया इंटरनेशनल, एस से हो गया सोलर, ए से हो गया अलायंस, ठीक है ना। तो ये क्या है कि 121 देशों का, कितना, 121 देशों का एक समूह है। अच्छा, ये 121 देशों का जो समूह है ये कौन कौन से देश हैं, चलिए हम बात करते हैं। तो ये जो देश हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी के जो बीच की है इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है ना। इसके जब हम ये नॉर्थ, ये है आपका साउथ, जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, और ये आएंगे कर्क रेखा, कितना, 21.5 डिग्री क्या होगा नॉर्थ अक्षांश पे जब हम जाएंगे, तो ये हमारा क्या है? कर्क रेखा, ठीक है ना। जब हम साउथ की तरफ आएंगे कितना, उतना ही, 21.5 डिग्री, 21.5 डिग्री। यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। हम जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये हमारा क्या है? मकर रेखा, ठीक है ना, मकर रेखा। आइए क्या है? कर्क रेखा। चलिए अब बात करता है कि इन दोनों देशों के बीच, यानी ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये जो एरिया हम इन देशों, इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 121 ऐसे देश हैं जिनका संगठन है, और जिनके संगठन को हम क्या बोलते हैं? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। और ये 121 देश ऐसे हैं कि जहाँ से सूर्य की रोशनी से अपना क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये जो पहल है वो किसकी है? ये भारत की पहल है, ठीक है ना, ये किसकी पहल है? ये भारत की पहल है। भारत ने क्या किया है? 121 ऐसे देश जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में स्थित हैं उनका एक संगठन बनाया, और वहाँ पे क्या करेगा कि अपना सोलर पैनल लगाएगा, सौर ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी प्राप्त करेगा, ठीक है ना, और उन देशों को सप्लाई भी करेगा, अपनी भी ज़रूरतें पूरा करेगा। तो 121 देशों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली में। कब हुई थी? ये 30 नवंबर 2015 को। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, इनकी जो दूसरी मीटिंग हुई थी वो भी नई दिल्ली में ही हुई थी, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था, मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। मोदी जी ने क्या किया था? उद्घाटन किया था 2015 में। लेकिन जो नई दिल्ली में पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 2018 में हुई थी, ठीक है ना, 11 मार्च, 11 मार्च 2018 को। और जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2015 को, ठीक है ना। और कहाँ पे हुआ था ये? पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है ना। तो मोदी जी ने पेरिस में इसका उद्घाटन किया था 15 नवंबर 2015 को। और उसके बाद जो इसकी पहली मीटिंग हुई नई दिल्ली में 11 मार्च 2018 को, और उसके बाद दूसरी मीटिंग भी नई दिल्ली में ही हुई, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि वो भारत का पहला हवाई अड्डा
जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से संचालित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे है मित्रों? ये है आपका केरल में, ठीक है ना। कोच्चि कहाँ पे है? कोच्चि आपका केरल में है और ये UNEP, ठीक है ना, UNEP द्वारा स्वीकृत किया गया। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है ना, के द्वारा जो है ये क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। कब? 18 अगस्त 2015 को। कब किया गया मित्रों? 18 अगस्त 2015 को यह स्वीकृत किया गया, ठीक है ना। और कोची में तभी से क्या हुआ, जो कोची एयरपोर्ट है वो पूर्ण रूप से यानी 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया, ठीक है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, वनडे से लेके सिविल से लेके हर एग्जाम्स में पूछा गया, इवन इंटरव्यू में भी पूछा गया। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्या है, ठीक है, कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। चलिए वो तो हवाई अड्डा की बात कर रहा था, अब यहाँ पे केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, यूटी की हम बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दीव। दीव जो है क्या हुआ, 2018 में, ठीक है ना, 2018 में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। चलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो फसलों का नाम दिया गया है इनमें से कौन सी ऐसी फसल है कि जिसको हम बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जट्रोफा, ठीक है। तो जट्रोफा में क्या होता है, जो जट्रोफा के बीज होते हैं ना मित्रों, तो उस बीज से 27 से लेकर 40% तक क्या होता है, इसमें तेल प्राप्त होता है। कितना? 27% से लेकर 40% तक इनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है और उसको क्या करते हैं हम, बायोडीजल में परिवर्तित करके डीजल इंजन में काम लेते हैं। पेट्रोल के इंजन में काम नहीं आता, ये डीजल इंजन में ही काम आता है। आप लोग इस चीज़ को विशेष तौर से देखिएगा, डीजल इंजन में काम आता है बायो, इसलिए लिखा है देखिए बायोडीजल, ठीक है ना। तो जट्रोफा का जो पौधा होता है उसके बीज से हम ये तेल प्राप्त करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो एक क्वेश्चन उसमें आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्राप्त करेंगे, 13 क्वेश्चन है, लगभग 50-60 क्वेश्चन आप प्राप्त करेंगे, लेकिन इसको रट लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक एक पॉइंट आप याद करिएगा, ये जरूर देखिए 27 से लेकर 40% तक इसमें तेल प्राप्त होता है इनके बीज से। ये पूछा जाता है कि कौन से इंजन में काम आता है, तो डीजल इंजन में, ना कि पेट्रोल इंजन में, ठीक है ना, डीजल इंजन में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। चलिए अब आप सोचेंगे कि जेट्रोफा होगा, नहीं, जेट्रोफा से बायोडीजल के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मक्का, ठीक है ना। क्या है मित्रों? मक्का। मक्का की जो खेती की जाती है उसको हम एथेनॉल के लिए, एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। चलिए इसमें जो जट्रोफा है, पैंगमिया है, सूरजमुखी है, ठीक है ना, इनका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, बायोडीजल के लिए करते हैं, लेकिन जो मक्का का है उसको हम किसके लिए, एथेनॉल के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। थोड़ा सा आज गला खराब हो जाने के कारण से आवाज़ देखिए प्रॉपर नहीं जा पा रही होगी, इसी वजह से वीडियो भी कुछ रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ा सा जैसे ही गला सही होगा प्रॉपर वीडियोस जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है। चलिए कहने का मतलब है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा जो है ईंधन है कि जो सबसे कम प्रदूषण करता है। चलिए हम इसकी बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या करता है, जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और मिलकर जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। और बाकी डीजल पेट्रोल क्या करते हैं, हवा के साथ जब जलते हैं तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन किसका निर्माण करता है, O2 का, ऑक्सीजन सॉरी O2 का नहीं, ये जल का निर्माण करता है, ठीक है ना, ये जल का निर्माण कर लेता है, इसीलिए क्या होता है प्रदूषक नहीं उत्पन्न करता, प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है, ठीक है, हरित ईंधन, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल को हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, हरित ईंधन के रूप में करते हैं। चलिए अच्छा हम बात करते हैं हरित ईंधन जो होता है हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो जितने भी मीठे पदार्थ हैं जैसे गन्ने की जो शक्कर होती है, ठीक है ना, गन्ने की शक्कर, जो गन्ने की शक्कर होती है इससे भी हम क्या प्राप्त करते हैं, एथेनॉल प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज से हम प्राप्त करते हैं, सोरा से प्राप्त करते हैं, महुआ, महुआ एक पौधा होता है आप लोग को पता होगा, महुआ का जो फूल होता है या बीज होता है उससे भी हम प्राप्त करते हैं, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं उनसे भी हम एथेनॉल प्राप्त करते हैं, जैसे चावल, ठीक है ना, चावल में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मक्का में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वहाँ से भी हम एथेनॉल प्राप्त करते हैं। तो एथेनॉल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, गन्ने की शक्कर से प्राप्त होता है, चावल से प्राप्त होता है, मक्का से प्राप्त होता है, महुआ से प्राप्त होता है, ग्लूकोज से प्राप्त होता है, सोरा से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ठीक है। और एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, चलिए, जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हरित ईंधन में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम मित्रों भारत का ऐसा पहला राज्य है कि जो जैविक खेती पर आधारित, यानी जैविक खेती से जैविक खेती करने वाला जो है पूर्णतः सिक्किम भारत का पहला राज्य है, ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है। देखिए हमने कहा कि आज का सेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सिक्किम कहाँ पे, भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है ना, यानी कहाँ पे, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में स्थित, सिक्किम एक भारत का राज्य है। चले नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते, क्या है, नहीं पाए जाते। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, कि जो पृथ्वी के अंदर से यानी गर्म जल से जो है प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, जैसे हम ऊर्जा कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम सोलर से यानी सौर ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं, तापीय ऊर्जा यानी कोयले से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका जल से प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह भूताप यानी जो गर्म जल होते हैं पृथ्वी के अंदर उनसे हम ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से करते हैं कहाँ से नहीं करते, तो इसमें है कि कौन से क्षेत्र में भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जहाँ से हम भूतापी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा, जो उत्तर भारत में जो गंगा डेल्टा यानी गंगा बेसिन है यहाँ पे क्या होता है भूतापी ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता। तो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता मैं आपको चलिए बताता हूँ, गोदावरी का डेल्टा में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है चलिए मैं बात करता हूँ। इसका एक कोड याद कर लीजिएगा सोनाटा, ठीक है ना, सोनाटा, सोनाटा क्या है, एक घड़ी है, तो चलिए उसी के कोड पे एक पड़ा है, सोनाटा से क्या होगा, SO से क्या होगा, सोन नदी यानी सोन नदी बेसिन, NA से क्या होगा, नर्मदा नदी बेसिन, ठीक है ना, TA से क्या हो गया, ताप्ती नदी बेसिन, ठीक है ना, यानी सोन नदी बेसिन से हम प्राप्त करते हैं, नर्मदा नदी बेसिन से, ताप्ती नदी बेसिन से प्राप्त होता है क्या चीज़, भूतापी ऊर्जा, ठीक है ना, गोदावरी डेल्टा से प्राप्त होता है, हिमालय से प्राप्त होता है, पश्चिमी घाट से प्राप्त होता है, खंभात बेसिन से प्राप्त होता है। मैंने बता दिया भारत में जितने जगह हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सोनाटा यानी सोन नदी, फिर नर्मदा नदी बेसिन से, ताप्ती नदी बेसिन से, गोदावरी डेल्टा से, हिमालय से, पश्चिमी घाट से, खंभात बेसिन से, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ से हम भूतापी ऊर्जा प्राप्त करते हैं भारत के इतने क्षेत्रों में भूतापी। हाँ गोदावरी नदी हमने बताया, गोदावरी नदी से, ठीक है ना, और महानदी बेसिन में भी,
ये क्या महानदी बेसिन से भी भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैंने मैक्सिमम भारत के सभी नाम काउंट करा ली, इसको आप लिख भी सकते हैं क्योंकि तो मिलान करने के लिए पूछता है अक्सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्या है क्वेश्चन नंबर, जैविक विघटित प्रदूषक कौन सा है। ठीक है ना, जैविक विघटित प्रदूषक कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। ठीक है ना, ये क्या होता है प्रदूषक। ठीक है ना, ऐसे प्रदूषक जो आसानी से तत्वों में विघटित हो जाते हैं उसे हम जैव विघटित, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। क्या होते हैं वे प्रदूषक जो आसानी से तत्वों में विघटित हो जाते हैं उसे हम जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं, और उसमें वाहित मल एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। देखिए वो दूसरा था, ये दूसरा जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो इसका जो सही आंसर है सीवेज। ठीक है ना, सीवेज ये क्या होता है, ऐसा प्रदूषक, ठीक है, ऐसा प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा यानी माइक्रो ऑर्गेनाइज्म द्वारा पूर्ण विघटन हो जाता है या पूर्ण विघटित कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक, उसमें से सीवेज एक है। ठीक है ना, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्या है, 12 निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रबड़। ठीक है ना, रबड़ इज द राइट आंसर। ये क्या है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। क्या, कैसे, जैविक अपक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, उसमें रबड़ है। ठीक है ना, रबड़ इज द राइट आंसर। चलिए आज ये रहा जीएस में एनवायरमेंट का, आज का जो सेशन है आज इसको पूरा देखिएगा, रट लीजिएगा, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मित्रों। थोड़ा गला खराब होने के कारण हो सकता है कि आवाज़ प्रॉपर ना जा रही हो, कोई बात नहीं, फिर से हम जैसे ही गला सही होगा अच्छी आवाज़ जाएगी। चलिए हम तो आज ही हमारा जीएस में ये रहा, फिर आएगा एनवायरनमेंट का चैप्टर। अभी तक आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि लोगों का भी दूसरों का भी भला हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू।